यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम एशियन पेंट और बर्जर पेंट के कंपैरिजन को जानेंगे कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट इनमें से कौन से स्टॉक के साथ आपको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। दोनों स्टॉक काफी बेहतरीन है और लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से दोनों में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमें दो स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक चूज करना हो तो किस पैरामीटर के आधार पे हम कौन से स्टॉक को चूज करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट रूप से उसको एनालाइज करेंगे कि कौन से स्टॉक हमें चूज करना है दो स्टॉक में से अगर हमें एक स्टॉक को चूज करना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड एशियन पेंट को रखा है और राइट साइड बर्जर पेंट को। अगर मार्केट कैप की बात करें तो एशियन पेंट का मार्केट कैप है 318,000 करोड़ का, वहीं बर्जर पेंट का है 81,000 करोड़ का। तो मार्केट कैप में एशियन पेंट काफी बड़ी कंपनी है। उसके बाद पी रेशियो की बात करें, मतलब वैल्यूएशन का, कौन सा स्टॉक हमें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, कौन सा महंगे वैल्यूएशन पे, मतलब प्राइस जो है एक रुपया अर्निंग के लिए कितना पे किया जा रहा है। तो एशियन पेंट के एक रुपया के अर्निंग के लिए 91 रुपया इन्वेस्टर पे करने के लिए तैयार है, जबकि बर्जर पेंट में 96 रुपीज अर्निंग के लिए पे करने के लिए इन्वेस्टर तैयार है। तो बर्जर पेंट यहाँ काफी महंगा है, देख सकते हैं कि एशियन पेंट मात्र 91 पे है और बर्जर पेंट 96, तो यहाँ पर बर्जर पेंट जो है वो ज्यादा महंगा है। अगर बात करें रेवेन्यू का तो यहाँ पर एशियन पेंट का रेवेन्यू है 21,000 करोड़ का, वही बर्जर पेंट का जो रेवेन्यू है 6,800 करोड़ का। तो रेवेन्यू में एशियन पेंट काफी आगे है। नेट प्रॉफिट की बात है 3,100 करोड़ का नेट प्रॉफिट है एशियन पेंट का, ये एनुअल प्रॉफिट है। वहीं 720 करोड़ का यहाँ पर नेट एनुअल प्रॉफिट है बर्जर पेंट का। और बात करें यहाँ पर 5 इयर्स के सेल्स ग्रोथ का, तो यहाँ पर जो एशियन पेंट का सेल्स का ग्रोथ हुआ है पिछले 5 इयर्स में 9% के CAGR के साथ, और वहीं पर जो बर्जर पेंट है उसका जो सेल्स ग्रोथ हुआ है पिछले 5 इयर्स में 10% CAGR के साथ, वहीं 5 इयर्स में प्रॉफिट का जो ग्रोथ हुआ है 13% CAGR के साथ एशियन पेंट का, और बर्जर पेंट का जो हुआ है 15% CAGR के साथ। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड की बात है, 36% रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड है एशियन पेंट का, वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड बर्जर पेंट का है 27%। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ सेल्स का ग्रोथ जो है उसमें बर्जर पेंट आगे है 1% से, प्रॉफिट ग्रोथ में भी बर्जर पेंट आगे है 2% से, और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड में एशियन पेंट आगे है। 5 इयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी में 26% है एशियन पेंट का, रिटर्न ऑन इक्विटी बर्जर पेंट का है 24%। तो यहाँ पे भी एशियन पेंट बेहतर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एशियन पेंट का है 22% और बर्जर पेंट का है 17%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एशियन पेंट का 5% ज्यादा है बर्जर पेंट से। वही अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, एशियन पेंट का 52.8% प्रमोटर्स होल्डिंग है और बर्जर पेंट में प्रमोटर्स होल्डिंग 74.98% है, जो कि मैक्सिमम 75% हो सकता है, उसके बहुत ही क्लोज है। जिस शेयर का प्रमोटर्स होल्डिंग काफी ज्यादा हो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि उसमें प्रमोटर्स का खुद स्टेक है, तो निश्चित रूप से प्रमोटर्स उस कंपनी को आगे ले जाने के लिए सोचेगा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि एशियन पेंट काफी बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में और बर्जर पेंट उससे छोटी कंपनी है, फिर भी प्रमोटर्स होल्डिंग के आधार पर बर्जर पेंट काफी बेहतर है। डिविडेंड यील्ड की बात करें, एशियन पेंट का 0.54% जबकि बर्जर पेंट का 0.34%। डिविडेंड यील्ड में एशियन पेंट काफी बेहतर है। लॉन्ग टर्म में डिविडेंड यील्ड जो अगर आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारा एक पैसिव इनकम सोर्स होता है डिविडेंड। फिर वहां पर बात करें रिजर्व का, तो एशियन पेंट का जो रिजर्व है वो 12,000 करोड़ का है और जो बर्जर पेंट का रिजर्व है वो 3,280 करोड़ का है। तो रिजर्व के मामले में भी एशियन पेंट काफी बेहतर है, काफी ज्यादा कैश रिजर्व है कंपनी के पास। बात करें डेट का, एशियन पेंट पे जो टोटल डेट है 1,093 करोड़ का, जबकि डेट जो बर्जर पेंट पर वो है 634 करोड़ का। और वहीं डेट इक्विटी की बात करें तो एशियन पेंट का डेट इक्विटी मात्र है 0.09 और डेट इक्विटी बर्जर पेंट का है 0.19। तो यहाँ डेट टू इक्विटी जो है बर्जर पेंट का काफी ज्यादा है, तो डेट टू इक्विटी जितना हाई होगा
वो कंपनी उतना ज्यादा रिस्की होगा, मतलब उसमें डेट बर्डन जो है इक्विटी के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर बर्जर पेंट थोड़ा सा वीक कंपनी है क्योंकि इस कंपनी पे इक्विटी के कंपेयर में डेट ज्यादा है। अब बात करें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि प्राइस में ग्रोथ क्या है, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तो प्राइस पे ग्रोथ के अनुसार ही रिटर्न मिलेगा। तो वन ईयर का अगर CAGR देखें तो 69% का रिटर्न दिया एशियन पेंट और 51% का बर्जर पेंट। यहाँ पर बर्जर पेंट का रिटर्न काफी कम है। थ्री ईयर्स की बात करें तो 36% एशियन पेंट दिया है कंपाउंड मतलब प्राइस ग्रोथ, और 38% दिया है बर्जर पेंट थ्री ईयर्स में कंपाउंड प्राइस ग्रोथ, और फाइव ईयर्स में बात करें तो जो शेयर प्राइस का ग्रोथ है वो 23% है एशियन पेंट का, बर्जर पेंट का 26%, और 10 ईयर्स में बात करें एशियन पेंट का 26% और जबकि बर्जर पेंट का 36%। यहाँ पर बर्जर पेंट काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर 10% का CAGR जो है 10 ईयर्स में ज़्यादा दे रहा है। तो 10% का CAGR काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो बर्जर पेंट हमारे शेयर प्राइस पे ग्रोथ के अनुसार मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के मामले में काफ़ी बेहतर यहाँ पर दिख रहा है। अब बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो एशियन पेंट का है 52 जबकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 28 है बर्जर पेंट का। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना हाई हो उतना अच्छा होता है, तो यहाँ पर एशियन पेंट काफ़ी बेहतर है बर्जर पेंट से। उसके बाद आता है कैश कन्वर्शन साइकिल, तो कैश कन्वर्शन साइकिल जो है 58 है एशियन पेंट का जबकि 78 है बर्जर पेंट का। तो कैश कन्वर्शन साइकिल जितना कम हो उतना बेहतर होता है कंपनी के लिए, तो यहाँ 58 है एशियन पेंट का तो बर्जर पेंट का काफी हाई है, तो यहाँ पे भी एशियन पेंट काफी बेहतर है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो की बात करें तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो एशियन पेंट का है 2.90 और इन्वेंट्री टर्न ओवर है बर्जर पेंट का 2.38। और वहीं बात करें परसेंटेज जो है मटेरियल कॉस्ट का ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, तो मटेरियल कॉस्ट जो आ रहा है टोटल एक्सपेंस का एशियन पेंट का रहा है 47.5% और बर्जर पेंट का रहा है मटेरियल कॉस्ट 49.7%। और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है फ्री फ्लोट का, जो फ्री फ्लोट है उसका इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें 60% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है एशियन पेंट में फ्री फ्लोट का जबकि 62% है फ्री फ्लोट का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बर्जर पेंट में। तो यहाँ पे बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों लगभग सेम है, लेकिन और सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पर बात करें तो एशियन पेंट काफ़ी बेहतर है। देखिए मटेरियल कॉस्ट 47% मात्रा आ रहा है एशियन पेंट का, बर्जर पेंट का 49 से भी ऊपर, तो काफ़ी यहाँ पर 2% से ज़्यादा का फर्क है और सारे पैरामीटर्स पे भी काफ़ी बेहतर है। मार्केट शेयर की बात करें तो डेकोरेटिव पेंट में 60% एशियन पेंट का मार्केट शेयर है और लगभग 15% के आसपास बर्जर पेंट का है। यहाँ पर तो मार्केट शेयर जो है एशियन पेंट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर किए हुए हैं, ज़्यादातर मार्केट जो है डेकोरेटिव पेंट का वो एशियन पेंट के पास है। तो इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर दिख रहा है कि एशियन पेंट काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। सिर्फ प्रमोटर्स होल्डिंग बर्जर पेंट का ज़्यादा था और 10 ईयर्स में जो स्टॉक का प्राइस का CAGR था वो बर्जर पेंट का काफ़ी हाई था एशियन पेंट से, 36% था बर्जर पेंट का, एशियन पेंट का मात्र 24% के आसपास था। तो बर्जर पेंट जो हमारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न और पिछले 10 साल में काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है एशियन पेंट के कंपैरिजन में, लेकिन एशियन पेंट काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट में शेयर जो है देखिए मार्केट शेयर डेकोरेटिव पेंट में 60% के आसपास है, मतलब ओवरऑल हर पैरामीटर्स पे एशियन पेंट नंबर वन है। सिर्फ शेयर प्राइस का जो CAGR है 10 ईयर्स का उसमें बर्जर पेंट काफ़ी बेहतर था।